अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का 2 by 3 by q, ये बताओ श्रेया, 2q + 3q, क्या 2 + 3 का क्यूब होता है? बोलो निष्काम, कुछ बोल ही नहीं रही हो, बोलो। नहीं होता है। रक्षिता देख लेते हैं, जो कुछ क्योंकि जो नॉलेजेबल पर्सन है उनकी भी बात माननी पड़ेगी। 8 + 27 और ये 5 का क्यूब, तो इन्होंने कितना बताया, 27 में 8 जोड़ो 35 और ये 135। सही है, तो ऐसी गलतियां मैं नहीं करनी कि पता चला इसका फार्मूला लगाना है a+b³ का, इसका लगाना है a³ + b³ का, दोनों अलग अलग फार्मूला है। अगर a+b³ का फार्मूला अलग है, दैट इज a³ + b³ + 3ab, a+b और a-b, और इसी तरीके से a³ + b³। तो यह इसका फार्मूला बताओ, और 2-3 मजा कर लो, यही हालत है इसीलिए तो खुद की स्क्रिप्ट लिख रही हो। चलो अब जरा पहला देखो, दैट इज 49a² + 70ab + 25b² इसको लिखो 7a² इसको क्या लिखो, अर्थित इसको बोलो 2 × 7a × 5b और 7a + 5b, क्योंकि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 2, ये क्या होता है, दैट इज फर्स्ट प्लस सेकंड का स्क्वायर, और इसे क्या लिखोगे रोहन, दैट इज 7a + 5b। अब इसी का बी पार्ट देखिए, सही है, कौन है ना। अब देखो दैट इज 9a² - 24ab + 16b², लक्षिता बताओ स्नेहा टाइप लोग, ऐसा नहीं माना जाता, पूरे पे लगाना होगा, सही है। अभी देंगे तो कल कमियां पता चलेंगे। इसको बोलो -2 × 3a × 4, तो ये क्या हो जाएगा, -4b² दैट इज 3a - 4b और 3a - 4b, सही है। अगला क्वेश्चन सर, a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, a+b² + a² + b² सही है। अब जरा देखो 3/2x + 2/3y का क्यूब, निष्का इसको एक्सपेंड करो, थ्री बाई टू एक्स का और प्लस 2/3y का y का होल क्यूब, आगे 3 × 3/2x × 2/3y, अच्छी बात है, और प्लस
इन ब्रैकेट में 3/2x प्लस 2/3y. सही है, जस्ट मिनट एक्सटेंड करो. कट कर दें. xy 3/2x प्लस 2/3y तो 27/8x³ प्लस 8/27y³. इसको मल्टीप्लाई करके बताऊं. कट हो रहा तो कट करो ना. 2xy² ठीक है ना. इसी तरीके से अगर निगेटिव है तो सेकंड का भी 3/2x - 2/3y का क्यूब. दो आंदोलन क्या क्या लिखे एक लगा के बैठे रहते हो. हाँ और प्लस साइन नहीं पता है. एक्स माइनस वाई के क्यूब का फार्मूला बताओ. इसी में तो दो नंबर आ रहे हैं. अगर फार्मूला ही पता हो तो वही लगाइए. 2/3y³. यहाँ देखो हरे को ब्रैकेट लग रहा है. आगे बोलो. और 3/2x - जब इसका मल्टीप्लाई होगा. बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं. माइनस इंटू माइनस प्लस भी करना है और यहाँ पे माइनस रहेगा पहले. ठीक है, तो इसको आप लोग इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे जैसे ऊपर किया है. बस साइन साइन का फर्क रहेगा. अगला देखो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज (8a³ + (b³) + (12a²b) + (6ab²). 8a³ - (b³) - (12a²b) + (6ab²). थर्ड क्वेश्चन देखो. 8a³ + (b³) + (12a²b) + (6ab²). इसको 2a का क्यूब लिखा जा सकता है. इसे भी क्यूब लिखा जा सकता है. इन दोनों में कितना कॉमन आ रहा है बोलो. अर्पित 6ab कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा. 2a बचा. जो यहाँ होगा वही तो बचेगा और जो यहाँ है वो यहाँ बच जाएगा. अब अगले स्टेप पे थोड़ा सा इसको मैं और बनाना चाहता हूँ. अर्पित इसे क्या लिखते हैं. वही फार्मूला लगाओ. दैट इज 3xy और x प्लस वाई. ये तुम्हारे माइंड में नहीं आ रहा है. 3xy तो 3 अलग लिखो और 2a अलग और t. तो 3xy ये x और y यही तो है. तो 3xy का यही चीज है और x प्लस वाई. तो क्या लिख देंगे बोलो. 2a + b. अब इसे और आगे क्या लिखेंगे बोलो. 2a. इधर आ जाओ इनके साथ देखो. 2a + b का क्यूब तो क्या हो जाएगा बताओ. तो इसको तीन बार लिख लेना. ठीक है, अगला देखो. निखिल 8a³ - (b³) - (12a²b) + (6ab²). निखिल बोलो. तो 2a³ - (b³) - (6ab) और अंदर
2a माइनस b। देखो वैसे ही कर लिया ऊपर की तरह। अगला स्टेप क्या करेंगे निष्ठा बोलो। बोलो 3 × 2a × b और 2a माइनस b। क्या ये वही फार्मूला बन गया जो यहाँ पे इस तरह बनता था माइनस माइनस बन गया माइनस माइनस सही है। इसी इतना ली तो क्या हो जाएगी 2a माइनस b का क्यूब। और फिर इसे क्या लिख सकते हो 3 बार लिख लो। ठीक है ये भी लगा सकते हो या अलग अलग लगाना चाहो तो अलग अलग भी। ये मैंने ये वाला लगाया। अगर डायरेक्ट थर्ड है इससे ये इससे ये नहीं आ सकते फिर दूसरा फार्मूला लगाना। डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते डायरेक्ट करके लगा जाएगा। अब देखो ओके नाउ फोर्थ क्वेश्चन इसी तरीके से 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। नेक्स्ट इज 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4p। जस्टिन फोर्थ का ये बताओ। सर 3 क्यूब प्लस सॉरी माइनस 5a होल क्यूब 5a का होल क्यूब माइनस 3 × 3 × 5a माइनस में 3 × 3 × 5a और ब्रैकेट में सर 3 − 5a। देख लो सही है बिल्कुल 3 पहला दूसरा पहला माइनस दूसरा। अब क्या हो जाएगा 3 − 5a का होल क्यूब फिर उसको 3 बार लिख लेना सही है। आदित्य पी का बताओ। 3p का होल क्यूब दैट इज 27p³ 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 1/6 का पूरे का होल क्यूब। देखो ये हमने 3p पे होल पे क्यूब लगाना है समझ में आई स्नेहा। होल पे लगाना नहीं तो अगर तुम ऐसा कहोगी कि 5a का क्यूब तो a पे माना जाएगा 5 पे नहीं माना जाएगा। ऐसे नहीं लिखना है ऐसे लिखना है ठीक। चलो आगे बताओ। −3 × 9/2p² प्लस 1/4p बताइए। सर दूसरे मेथड से बता सकते हैं क्या 3 × 3p² × 1/6 3p² × 1/6 ये भी मेथड सही है। ये जो लगाना है −3a² b प्लस 3ab² 3p × 1/6 का होल स्क्वायर ये भी एक मेथड है ना ये भी लगा सकते हैं। तो क्या हो सकता है 3p − 1/6 का होल क्यूब फिर इसको 3 बार लिख देंगे −96 × 104 998 का क्यूब। आनिष्का बताओ तुमको तो काफी ड्रॉइंग आ रही है तो बता लोगे। 100 − 4 × 100 + 4 फिर क्या हो जाएगा। चलो बोलो का 100 का स्क्वायर और −4 का। देख लो a − ba + b क्या होता है a² − b² तो ये कितना हो जाएगा −16। तो 10,000 में से 16 कम करो
तो यहाँ पर 9 में से क्या 8 9 कृपा 9 9 8 का क्यूब बताओ कैसे लिखे थाउजेंड। अगला स्टेप बताइए बोलो सिस्टम एक दो तीन और माइनस 8 यहाँ कितना आ जाएगा 6000 और 1000 माइनस 2 एक दो तीन। हाँ मैं यहाँ हिट्स में कितना आएगा कितना पहले मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से इसको नहीं करना 9 9 8 नहीं करना यहीं से करना सिक्स के आगे 6 0 और यहाँ प्लस में रहेगा कितना आएगा 12000 फिर इसको सॉल्व कर लेना देखिए नेक्स्ट इज वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हाँ जस्ट इसका फार्मूला बताओ सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई सही है। अब जरा देखो पहला वाला तो RHS taking RHS so x plus y और x square minus x y plus y square मान्य क्या करेंगे x square minus x y plus y square आगे क्या करें so plus y x square minus x y plus y square सही है आगे बोलिए x cube minus x square y plus x y square आगे plus y x square minus x y square x plus x cube मतलब y cube y cube आ गया अब देखो minus x square y और ये दोनों कट गए तो क्या बचा बोलो ये लिखना LHS और यहाँ लिखना hence verified ये बात समझा गई ऐसे ही दूसरा भी कर लेना सेवेंथ क्वेश्चन देखिए सेवेंथ क्वेश्चन है इसी पर तो 27x³ 27y³ + 125z³ तो इसको क्या करना है यू हैव टू फैक्टराइज 27y³ + 125z³ और सेकंड है 64m³ - 343m³ अदिति पहला बताओ सर उसके बी का आंसर आ गया दैट इज 27y³ + 125z³ दैट इज 3y³ प्लस 5z³ फिर 3y + 5z इन सेकंड ब्रैकेट 3y² माइनस 3y × 5z प्लस 5z³ That is 3y + 5z और 9y² - 15yz + 25z²
ऐसे ही सेकंड वाले में सेकंड आइडेंटिटी लगा कर करनी है। ओके नाउ ये सेवन क्वेश्चन आप लोग करें। हो गए पांच सवाल सारे। कौन से कर रहे थे सिविल एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखें, ठीक है? नीचे फिफ्थ क्वेश्चन देखो ऑल कर देना। तो हमें ये बात पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या इसकी वैल्यू दी है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की विधि है। और क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की विधि है? अगर हम टू कॉमन ले लें तो अंदर की वैल्यू डाल देंगे, उसकी वैल्यू थ्री दी है। इसकी जगह क्या रख दोगे बोलो? 250। इस पूरे की जगह क्या रख दोगे? और टू कॉमन लेके इसकी जगह क्या रख दोगे? थ्री। तो इसकी जगह थ्री रख दो। तो 250 प्लस सिक्स क्या हुआ? और ये मुझे बताइए कि a प्लस बी प्लस सी अगर निकालना हो तो इसका रूट ले लें, क्योंकि ये तो स्क्वायर है ना। yes, तो इसका रूट ले लो। तो 256 से इसका अर्पित रूट क्या होता है? ये 16 × 16 है, तो इसका रूट क्या होता है? 16 a प्लस बी प्लस सी। नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, तोड़ तोड़ के धीरे धीरे जोड़े में बाहर निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि सिक्स्थ क्वेश्चन, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस रूट टू। कभी भी जब फैक्टराइज करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, ए और सी का, ये भी होता है। तो रूट टू और रूट टू का मल्टीप्लाई क्या होता है? तो दैट इज रूट टू इंटू रूट टू क्या हो गया? अब टू को ऐसा तोड़ो कि जिनका सम थ्री आ जाए और जिनका प्रोडक्ट टू आ जाए। तो दैट इज रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस रूट टू, ठीक है? अब देखो रूट टू, अगर मैं इसमें से पलट रूट टू एक्स कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? एक्स। और एक्स तो इसमें से कॉमन हो गया, अगर टू में से रूट टू कॉमन आया तो क्या बचेगा? क्योंकि टू जो होता है वो और कुछ नहीं होता, वो रूट टू इंटू रूट टू है। तो टू में से अगर रूट टू कॉमन आ गया
तो अंदर क्या बचा रूट टू, सो दिस इज रूट टू एक्स, इन दोनों में वन कॉमन लो तो क्या हुआ then it comes as x plus root 2, तो एक आ गया root 2x plus 1 और दूसरा क्या हो गया यहाँ पर ये root हो गया तो x plus, बोलो बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए सर, ये सिक्स्थ एक बार समझा दीजिए, आपको समझ नहीं आया। सिक्स्थ में जब नेगेटिव टर्म स्प्लिटिंग का ये होता है कि a और c का मल्टीप्लाई करो, तो रूट टू और रूट टू का मल्टीप्लाई करा टू आया, क्योंकि रूट टू का स्क्वायर टू होता है और टू को ऐसा तोड़ो कि उनका सम बीच वाला है तो टू इंटू वन, तो टू इंटू वन क्या होता है टू, वही चीज आ गई और उनका जो सम है वो थ्री आ गया टू प्लस वन, तो ऐसे हमने तोड़ लिया। इन दोनों में रूट टू कॉमन लो, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम्हें एक और भी तरीका बताते हैं, रूट टू एक्स स्क्वायर, क्या तुम टू को रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हो और प्लस एक्स प्लस रूट टू, तो अब रूट टू एक्स कॉमन लो तो इसके पास एक्स बचा और रूट टू एक्स कॉमन ले लेते इसके पास रूट टू बचा, इन दोनों में वन कॉमन लो तो क्या इसके पास भी यही चीज बची, ठीक है That is root 2x plus 1, अब उसे में क्या बचा x plus root 2, सही है। Next देखो 7 को निष्ठा कैसे करेंगे, हाँ a plus b whole cube, That is 3x plus 2y का whole square करो तो क्या होगा, That is 3x का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2y का स्क्वायर और प्लस प्लस 2 इनटू 3x इनटू 2y, That is 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और प्लस 3 टू जा 6 तो 12x स्क्वायर। आगे बताओ क्या करें, रुक जाओ, वो ध्यान नहीं दे, इतना पूछना चाहिए मुझे पता ही नहीं चले, इसके होल स्क्वायर करने से ये चीज आ रही है और हमें एक्स वाई मिलना है वो भी आ रहा है, सब चीज आ रहा है, तो इसका स्क्वायर करो, यही देखने से पता चल जाएगा कि इसके स्क्वायर करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, एक पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और इंटू टू एक्स वाई, तो वो सब चीज़ें तो यहाँ ही हैं, अपने आप आ जाएगा। तो अब इसका वैल्यू रखो 9x स्क्वायर प्लस 4x वाई, ये नहीं पता है लेकिन ये तो पता है ना, तो इसको क्या लिखेंगे बोलो, 12 स्क्वायर, 12 है इसकी वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो नहीं पता है लेकिन क्या इसकी पता है, तो बताइए 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और प्लस 12 और एक्स वाई की कितनी है 6, सो दैट इज 144 और 12 इंटू 6 कितना होता है 72, तो 72 इधर लिख लिया जाए तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये 72 है। यहाँ तक में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो एक बार, कोई सा बोलो कौन सा फर्स्ट, समझो फर्स्ट में आपसे क्या कहा गया है, कहा गया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ, क्या पूछा गया इधर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, लेकिन हम a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर क्या आएगा बताओ, क्या उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c आएगा, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की भी वैल्यू है, ए बी बी सी सब कुछ तो दिया है, तो क्यों ना हम इसके होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, तो जब आप इसके होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के टू कॉमन लेती हैं तो हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी है जिसकी की वैल्यू वहाँ 3 दी है, देखो 3 है वो भी रखने की मिल जाती है और इनकी भी वैल्यू 250 रख दी, ऐसा करने से 250 प्लस 6 256 हो गया, तो अब मैं अगर इसका रूट कर लूँ तो क्या मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल जाएगी,
तो मैंने निकाल ली कि इसकी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 16 है। बोलो बात समझ में आ गई? और पूछो कोई? 6 समझ में आ गई। चलो नाउ अगला क्वेश्चन देखें। सिक्स क्वेश्चन में हमें कभी भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है तो a और c, a कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म होती है, इनका प्रोडक्ट किया जाता है, उस प्रोडक्ट को तोड़ा जाता है। हमेशा क्या करना है? ए सी किया जाए। तो ए और सी रूट टू इंटू रूट टू क्या है बोलो? टू को ऐसा तोड़ो, क्योंकि तुमने अभी भी बताया इन दोनों को तोड़ने मल्टीप्लाई करने से टू आया, तो टू को ऐसा तोड़ो कि उनका प्रोडक्ट टू ही आए, तो टू इंटू वन, और उन दोनों का सम बीच वाला आ जाए। तो ऐसे हमने टू एक्स वन लिख दिया, देखो मल्टीप्लाई करके देखो टू ही आ रहा है, और जोड़ने से बीच वाला आना। लेकिन 2 को मैं फिर से रूट टू इंटू रूट टू लिख लूंगा। ऐसा करने से जब मैं रूट टू कॉमन लूंगा तो मन में रहेगा भाई क्या बचा? देखो रूट टू एक्स कॉमन लिया तो इसके पास x बचा, और रूट टू एक्स कॉमन लेने के बाद इसके पास 2 बचा। ध्यान दो स्नेहा, हमने यहाँ कुछ किया नहीं है, 2x को रूट टू इंटू रूट टू लिख दिया। अगर तुम ये नहीं करना चाहो स्टेप तो सीधा यहीं से ले सकती हो रूट टू, नहीं तो तुम कर लो रूट टू इंटू रूट टू को मैंने रूट टू इंटू रूट टू लिख लिया है। ऐसा करने से जब रूट टू एक्स कॉमन लिया तो ये कॉमन आ गया, और रूट टू एक्स में एक एक्स कॉमन आया, तो एक एक्स यहाँ से बचा और एक रूट टू यहाँ से बचा। इन दोनों में वन कॉमन लिया ये बचा, और दोनों में एक्स प्लस रूट टू आ गया। सही है, ये समझ में आ गया? इसमें तो सीधा स्क्वायर ही किया गया। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। एट क्वेश्चन क्या है? 27x³ - 1/y³, इसका बताओ इसका आंसर। 3x³ आगे (3x-1)y, दैट इज (x-y), (a³ - (b³) वाला फार्मूला। फिर 3x² + 3x(1)y + 1/y, तुमने अच्छा बताया। अब फिर आगे क्या करेंगे? (9x²) + (3x)y² + (1y)y² कितनी बात समझ आ गई? सिर्फ हमने फर्स्ट क्यूब माइनस सेकंड क्यूब कर दिया। आगे देखो नाउ, अब देखिए हमारे पास एक और फार्मूला है, दैट इज (x³ + (y³ + (z³ - 3xyz) जस्टिन इसका फार्मूला बताओ। सर अभिषेक, सर ए प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, फिर दूसरे ब्रैकेट में (a²) + (b²) + (c²) - (2ab - 2bc - 2c) (x+y+z) और (x²) + (y²) + (z²) - (xy) (-xz) यही फार्मूला लगाना है पैटर्न में। तो 27x³ + (y³) + (z³) - (9xyz), तो दैट इज 3x³ + (y³) + (z³। श्रेया इसको क्या लिखें? दक्षिता 3 × 3 × 3x, पहली टर्म (3x)। हाँ
इसी का बी पार्ट देखो, बी पार्ट में निखिल बताइए, बी पार्ट 8x³ + y³ + 27z³ - 18xyz बताइए। ठीक है, ये तो आपने बना लिया कि 3 इंटू पहला, दूसरा, तीसरा। अब आप इस पर फार्मूला लगाइए। 2x + y + 3z - 2x × 3z So that comes as 2x + y + 3z और 4x² + 9z² - 2xy - 3yz - 6xz और बात समझ आ गई? ठीक है, अब जरा देखिए, हम लोगों को पहला सवाल करना है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, सेवेंथ क्वेश्चन में इसका स्क्वायर कर दो, 3x + 2y का स्क्वायर कितना होता है? 3x² + 2y² + 2 × 3x × 2y। अब जरा देखो इसे क्या लिखोगे, +4y² + 12xy। इसकी वैल्यू पता करनी है, xy 6 दिया, xy की वैल्यू डालो। और क्या तुमको 3x + 2y की भी वैल्यू दी है? वैल्यू दी है, चेक करो। तो 9x² + 4y² और इसकी कितनी वैल्यू दी है? 6। तो ये कितना आ जाएगा, 144 - 72। ये चीज यहाँ आ गई ना, ठीक है। चलो ये काम 15 मिनट में करना है सारा नहीं।